بسم الله الرحمن الرحيم. वैसे बुजुर्गो एक बात याद रखो कि दुआ जो भी हम करते हैं वो सारी कबूल होती है, कोई भी रद्द नहीं होती. लेकिन कबूल होने का माना यह है कभी तो हम जो मांगते हैं वो मिल जाता है, कभी हम दुआ मांगते हैं वो तो नहीं मिला लेकिन उसकी वजह से अल्लाह हमारे उस जिम्मे कोई मुसीबत आने वाली थी उसको टाल देते हैं. और तीसरी सूरत उसकी ये है कि अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे के नामाए अमाल में रख दो, इस दुआ का बदला मैं इसको क्यामत में दूंगा. यानी मिलेगा जरूर. और ये भी सही हदीस में है कि जब बंदे को दुआओं का बदला क्यामत में मिलेगा तो कहेगा अल्लाह अच्छा होता कि मेरी कोई दुआ भी मंजूर ना होती, आज सारे बदले मिल जाते. तो दुआ में यकीन कामिल हो. अगर दुआ में आप खुद ही मुतजब्जब हैं, पता नहीं मुद्दत हो गई है जी मांगते हुए अभी तक तो नहीं मिली, खुदा जाने क्या वजह है, या कहते हैं बात जहल तो कह देते हैं अल्लाह भी हमारी सुनता ही नहीं, ये तो कुफर है. अल्लाह तो सब की सुनते हैं, वो तो काफिरों की भी सुनते हैं, वो तो जानवरों की भी सुनते हैं, उनको रिज़्क कौन देता है. सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश नहीं थी, आप भी दुआ कर लेंगे अल्लाह मक्के में बारिश अता फरमा, दिल से दुआ कर लें. मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ, याद रखें कि अगर तवज्जो कामिल ना हो तो चाय की प्याली भी नहीं बन सकती, एक रोटी भी तवे पे नहीं पक सकती. ये हाथ जल जाएगा, ये रोटी जल जाएगी. तो अल्लाह की तरफ तवज्जो ना हो कहती है दुआ मंजूर नहीं होती. तवज्जो हो और यकीन हो कि तेरे सिवा हमें देने वाला कोई नहीं, या अल्लाह मेरे सिवा तेरे तो बंदे अरबों करोड़ों हैं लेकिन मेरा तो तू ही सिर्फ रब है. कहते जी कि बच्चों को फरमा बरदार और नेक बनाने के लिए कुरान में दुआ है असलह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन. हर नमाज के बाद ये 7 दफा पढ़ के दुआ मांगा करो असलह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन. इसी तरह दुआ है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अय्युन वज़अलना लिल मुत्तकीन इमामा. तो ये दुआएं जो हैं कुरान में ये अक्सीर आज़म हैं.